हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। आप सब जानते हैं रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी आउट हो चुकी है और रेलवे आरपीएफ के साथ साथ जो भी रेलवे की आगे आने वाली वैकेंसीज है उसके लिए भी आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ रेलवे की वैकेंसीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से चाहिए अप्लाई से पहले। ठीक है, तो वो मैं आपको सारी चीजें यहां पे बताने वाली हूं ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सारी चीजों को हम यहां पे वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या आधार कार्ड हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा, क्या पुराना वाला प्रूफ नहीं चलेगा, तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहां पर जरूरत है उसके बारे में एक एक करके हम यहां कवर करेंगे। तो वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज मैं आपको यहां बहुत बारीकी से समझाने वाली हूं, एक एक जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है यहां पे। ठीक है, तो वो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना www.crori.com, इसको आप सीधा गूगल पे टाइप करेंगे, आपको पहली नंबर पे साइट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। हर कोई आप में से यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है जो आरपीएफ की भी आई हुई है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारी इस तरीके से ऑफिशियल साइट को गूगल पे लिखना है, ऐसे मैंने लिखा हुआ है, आपको ये पहले नंबर वाली साइट हमारी। इसके अलावा अगर आपको कोई साइट देखने को मिलती है तो आप उसको फेक कंसीडर कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट सिर्फ यही है। आप यहां पे विजिट करके चेक करके आप कर सकते हैं अप्लाई जो इसके अलावा वैकेंसी आई है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहां पे जरूरत है, क्या आपको आधार कार्ड दोबारा बनाना पड़ेगा, पुराना प्रूफ क्या यहां पे नहीं चलेगा, इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहां पे चाहिए ही चाहिए, वो ध्यान से समझना। यहां पे कम से कम 14 to 16 पॉइंट है जो यहां पे रेलवे आरपीएफ ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए क्या क्या है, जिसके बिना आपके रिजेक्शन में, आपकी जो है सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट रख लिए अपने साथ। ठीक है, सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल साइट पे। नोटिफिकेशन आपको पता है ये जो है आरपीएफ का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया रेलवे की कोई अदर वैकेंसी भी है ना, उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान से आप समझिएगा। मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी का जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, अप्लाई मोड ऑनलाइन है। आप सब जानते हैं वैकेंसी ये जो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की है, फी डेफिनेटली एप्लीकेबल है, मैंने इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ समझाया है। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ चाहिए। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी 10th 12th ग्रेजुएट की है, इधर लास्ट में आपको ना ये क्वालिफिकेशन के बाद आपको ये दिखने को मिलता है रिक्वायर्ड लिंक। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हर चीज मैं आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो जो डॉक्यूमेंट आपको मेन यहाँ पे चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे है आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो कि आपका एज प्रूफ के लिए चाहिए होगा। ध्यान से समझिएगा, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको एज प्रूफ के लिए चाहिए, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपना फिजिकल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाता है वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेफिनेटली लेके जाने होते हैं, उसी के साथ जीरोक्स कॉपी भी लेके जानी होती है। जीरोक्स कॉपी मतलब आपको फोटो स्टेट करके भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहां पे देखिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन। अब 10th क्लास का सर्टिफिकेट कौन सी पोस्ट के लिए एज अ प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कॉन्स्टेबल के लिए, क्योंकि ये 10th पास वैकेंसी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन वाली अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे डेफिनेटली चाहिए होगा। ये चीज़ें ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे फोर्थ देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए जिसमें इंक्लूड इन्होंने किया है AWS, SC, ST, OBC, PWD, etc. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका डॉक्यूमेंट है
जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको दो स्टेप पर चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहला है, अगर आप इन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन तब मिलेगा जब आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मतलब कास्ट का जो सर्टिफिकेट है, उनको अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ये कंडीशन होगी। सेकेंड, आपको ये कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट है कि मैम कौन सा हमें चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना लोकल बनाया होता है, या मैं बोलूँ स्टेट का बनाया होता है, लेकिन आप सब जानते हैं ये जो वैकेंसीज हैं आरबीएफ की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे चाहिए। अब जो कैंडिडेट आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके लिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले अभी जाके तुरंत जाके बनवा लेना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ना एज रिलैक्सेशन में, ठीक है, ना ही आपको सर्टिफिकेट में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आए। एक आपको देखिए दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे रख लेनी है साथ में, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उनको चाहिए ही होंगी, बट आप अगर रख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एडवांस में तैयार रहे उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेंट सिग्नेचर है वो आपको रखने साथ में। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्स सर्विस मैन अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे चाहिए होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या है कि जो जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, जहाँ के आप हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे डेफिनेटली चाहिए। मतलब आप वहाँ पे कब से कैसे आप रह रहे हो, तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होगा। आधार कार्ड, सबसे बड़ा सवाल कि आधार कार्ड क्या नया बनाना पड़ेगा, पुराना प्रूफ नहीं चलेगा? ये कमेंट मेरे पास बहुत कल से आ रहे हैं कि आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया बनाना पड़ेगा। आपने आधार कार्ड जो बनाया हुआ है वही यहाँ पे चलेगा। लेकिन एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो आपका 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे नाम है, यहाँ पे देखिए इन्होंने आईडी प्रूफ में सीधा मेंशन किया है, जो आपका 10th क्लास के सर्टिफिकेट में नाम है, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका फादर नेम हो, मदर नेम हो, ध्यान से सुनेगा, वही आपका आईडी प्रूफ। मतलब आप अगर आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आधार कार्ड पे आपका डेफिनेटली वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी मिसमैच हुआ, आपके यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से ये भी सुनिए, आपका जो 10th पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं, चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपके फादर नेम, चाहे मदर नेम, चाहे कोई अदर इन्फॉर्मेशन, वही आपकी बिल्कुल जो है जेन्युइन मानी जाएगी। अगर आपका आईडी प्रूफ में कुछ चेंजेस हैं, मतलब मिसमैच हैं, तो आपने सबसे पहले आधार कार्ड में जल्दी जाके चेंज करवा लेना है। 2-3 दिन में हो जाते हैं आजकल, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे मेजर पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो जो डॉक्यूमेंट आप अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो आपने जैसे अप्लाई किया उसके लिए हो, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर रहे हैं उसके लिए हो, जो जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, वो आपके हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ होने चाहिए, ठीक है। अगर देखिए आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, कुछ कैंडिडेट होते हैं ना जिनका जो है वो अपना लोकल लैंग्वेज में होता है, किसी भी अदर लैंग्वेज में, जो आपकी लोकल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, अगर आपका उस लैंग्वेज में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन आपको जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड हो वो चलेगा, ट्रांसलेटेड वर्जन आपको यहाँ पे चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, चाहे मैं आरपीएफ की बात करूँ, चाहे कोई रेलवे की अपकमिंग वैकेंसीज है या जो चल रही है, ठीक है, किसी के लिए भी, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए होंगी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आपको अभी भी कोई भी डाउट है ना रेलवे की वैकेंसीज के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, ठीक है, वो आपने मुझे कमेंट जरूर करना। इसके अलावा लास्ट में आपको जाना है, यहाँ पे रिकॉर्ड लिंक मिल जाएंगे, ये पहला नोटिफिकेशन पीडीएफ का, ये अप्लाई प्रोसेस की वीडियो मिल जाती है, यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी आप इसके अलावा जो आई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, इन वैकेंसीज के लिए। तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो थी, बहुत सारी कैंडिडेट है जिनकी ये लाइफ चेंज कर देगी वीडियो, क्योंकि यहाँ पे सारे की सारी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन मैंने आपको सिर्फ एक ही वीडियो में बता दिया है। मैंने आपको बताया इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है, उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, ऐसे हमारी ऑफिशियल साइट को लिखना, ये पहले वाली हमारी ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऑफिशियल साइट क्लोरी के नेम से देखने को मिलती है,
आप उसको फेक कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। क्लोरी डॉट कॉम पर आपको ये पहली वाली जो साइट है यही सिर्फ हमारी है, इसके अलावा अगर आपको कोई देखने को मिलती है आप उसको फेक कंसीडर कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी भी आपका कोई भी डाउट है, चाहे वो RPF की वैकेंसी को लेकर हो, चाहे किसी अदर वैकेंसी को लेकर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपने कमेंट जरूर करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।